Good morning everyone. I hope you will be fine and enjoying your online classes. Today it is day 23 class of SST of grade 3 and we will continue our chapter 5 on page number 28. Okay, let's start. The coastal plains. India has a long coastline. India ki ek bahut lambi samudri seema hai. On the western side of India is the western coastal plain. India के west side में western coastal plain है and on the eastern side is the eastern coastal plain और east में eastern coastal plain है. These plains stretched for about 6,000 kilometer, जो कि इनकी लंबाई कितनी है 6,000 kilometer है. They are separated from each other by the Deccan Plateau, जो कि एक दूसरे से डेकन प्लेटू के द्वारा अलग होते हैं. यानी कि इनको अलग कौन करता है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को डेकन प्लेटू करता है. बट दे मीट ईच अदर एट कन्याकुमारी, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं, कन्याकुमारी में मिलते हैं. द लैंड इन दिस रीजन इज वेरी फर्टाइल, और यहाँ की जो मिट्टी है, भूमि है, वो बहुत उपजाऊ है. द क्लाइमेट इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, और यहाँ का क्लाइमेट ना तो ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है. नाउ द आइसलैंड रीजन्स. एन आइसलैंड इज ए प्लेस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड. आइसलैंड भूमि का वो टुकड़ा होता है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है. इंडिया टूवर्ड्स द ईस्टर्न साइड हैज स्मॉल लैंड मॉसेस सराउंडेड बाय वाटर. दिस इज द ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स कॉल्ड द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स दैट लाई इन द बे ऑफ बंगाल. इंडिया के ईस्ट में क्या है, आइसलैंड्स हैं जिनको हम अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स बोलते हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी में पड़ते हैं. अनदर ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स आर द लक्षद्वीप आइसलैंड्स, और दूसरे आइसलैंड्स कौन से हैं, लक्षद्वीप आइसलैंड सिचुएटेड इन द अरेबियन सी, जो कि अरेबियन सी में है. लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरेटरी ऑफ इंडिया, लक्षद्वीप सबसे छोटी यूनियन टेरेटरी भी माना जाता है. लाइक द सर्फेस ऑफ द लैंड द क्लाइमेट ऑफ इंडिया ऑल्सो वेरियस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. यानी कि यहाँ की लैंड की तरह ही यहाँ का क्लाइमेट भी एक जगह से दूसरी जगह पर अलग अलग है. द नॉर्थन माउंटेन्स हैव कोल्ड क्लाइमेट. नॉर्थन माउंटेन्स का क्लाइमेट कैसा है, कोल्ड यानी कि ठंडा है, ऑलमोस्ट थ्रूआउट द ईयर, जो कि वर्ष भर ठंडा ही रहता है. इन द नॉर्थन प्लेन्स द समर और हॉट एंड द विंटर्स आर कोल्ड. और नॉर्थन प्लेन्स में समर्स तो हॉट होती है और विंटर्स कोल्ड होती है. द कोस्टल एरियाज हैव मॉडरेट क्लाइमेट, और कोस्टल एरियाज का मॉडरेट क्लाइमेट होता है. इट इज नाइदर हॉट नॉर कोल्ड, जो कि ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा होता है. द रेनफॉल ऑकर्स मोस्टली ड्यूरिंग द समर सीजन, और यहाँ पे बारिश जो होती है अधिकतर समर सीजन में होती है. ऑल प्लेसेस डू नॉट गेट द सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल, और सभी जगहों पर समान मात्रा में बारिश नहीं होती है.